फोटोज को खींच के जूम कर देते हैं ना ऐसे पिंच जूम, इसको अगर खींच के बड़ा कर देना ये बहुत मास्टरपीस बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी प्रोडक्ट और डिज़ाइन वाइज काफ़ी इम्प्रूवड है। और ये जो इसके टायर्स हैं, जो इसके रिम्स हैं ना, कुछ इस टाइप की हैं। डिस्क ब्रेक इसमें भी लेफ्ट में है, तो अगर इसकी डिस्क ब्रेक देखे तो कुछ यहाँ पे आपको इस टाइप की दिखेगी। न्यू शेप है, बजाय सीधा काटने के उन्होंने ऐसे करके काटा है, अच्छा लग रहा है। वहाँ पे ये आपको एक जो और डिस्क मिलती है ये भी इसकी मिल जाती है। फिर शॉक प्रोटेक्टर, क्योंकि अपसाइड डाउन शॉक से लेस है फ्रंट में, तो शॉक प्रोटेक्टर यहाँ पे है। बेसिकली शॉक प्रोटेक्टर्स नहीं होते, ये होते हैं डस्ट प्रोटेक्टर। डस्ट नहीं जाएगी तो शॉकर की लाइफ इनहेंस हो जाती है, रबड़ उसकी कटती नहीं जो सील होती है। एलॉय व्हील, अगर इसके अंदर मॉडर्न यूज़ की जाती है तो मज़ा नहीं आता। तो एलॉय व्हील का जो डिज़ाइन है ये कुछ रेट्रो टाइप, जैसे घोड़ा गाड़ी होती थी या फिर रथ वगैरह होते थे उनका शेप, थोड़ा सा वहाँ से इंस्पिरेशन ली गई है। बाकी एलॉय मटेरियल, पेंट जॉब और ये सब चीज़ें, और हर एक पेंट जो है ना वो हाई क्वालिटी पेंट है। ये है 300cc की मोस्ट ब्यूटीफुल मोटरसाइकिल, V-twin इंजन से लैस है, 300cc की है। ये इसकी कुछ की, और अब जब मैं इसको इग्निशन में लगाता हूँ, इसको स्टार्ट करके पहले इसका मीठा मीठा साउंड सुनते हैं, क्या तो चीज़ है ना ये। वाह, नॉर्मल आरपीएम, थोड़ा सा रेप करता हूँ। क्या बना दिया ये, क्या कर रही हैं ये कंपनीज, जो कि इतनी ब्यूटीफुली डिजाइंड, इतने माइंडसेट, जो इतना क्रिस्प माइंडसेट है, ये आ कहाँ से रहा है। तो ये जो इंजन हमें दिख रहा है ना, ये इसकी सबसे बड़ी शान है। ये है V-twin इंजन, जो कि 300cc की कैपेसिटी के अंदर आता है, जो कि निकालता है 29.5 bhp और 26.5 Nm ऑफ टॉर्क। अब हमारे सामने इतनी ब्यूटीफुल चीज़ है, तो सबसे पहले एक्सप्लोर करते हैं इसका डिज़ाइन। रेयर टायर यहाँ से आगे दिखाओगे ना, तो 150mm का टायर है, जो कि बहुत ही वाइड है। 150mm का टायर देखो, कुछ इतना बड़ा वाइड होता है, तो इस टाइप की क्रूजर के लिए, 300 क्रूजर के लिए काफ़ी अच्छा है। जिसका की साइज़ है 150 80 15, यानी कि इसकी जो हाइट है ये 15 inch की है। तो जैसे मॉडिफाई करते थे ना लोग, वो ऑलरेडी मॉडिफाइड बाइक ही मिल रही है ये वाली। अब ये है इसका रेयर पोर्शन, तो यहाँ पे नंबर प्लेट आ गई, यहाँ पे नंबर लाइट, छोटे छोटे से टर्न इंडिकेटर्स हैं जो कि एलईडी हैं। अगर मैं इसको एक बार ऑन करके दिखाऊं तो ये एलईडी इंडिकेटर्स हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल है। फिर कुछ इस टाइप की इसकी टेल लैम्प है, छोटे से ही हैं, जो कि क्योंकि क्रूजर मोटरसाइकिल का जो डिज़ाइन का जो टेस्ट होता है ना, वो कुछ ऐसी होता है कि फेंडर ऐसे हो, टेल लाइट ऐसी लगी हो, काफ़ी ब्यूटीफुल ये वाला फेंडर लग रहा है। फेंडर का जो साइज़ है वो भी काफ़ी ह्यूज है, मतलब चौड़ा है ये काफ़ी। तो ये है इसकी हाइट, जिस हाइट पे मोटरसाइकिल है, तो मेरे यहाँ तक आ रही है ये मोटरसाइकिल। तो ये उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छी, जैसे लड़कियाँ हैं अभी न्यू राइड कर रही हैं, उनको कंफर्टेबल राइड चाहिए, और चाहिए भी मस्कुलर और बहुत ही खूबसूरत सी मोटरसाइकिल, वो यहाँ बैठ सकते हैं इजीली, अगर हाइट कम है तो। हाइट ज़्यादा है तो ऑब्वियस है, पिछली सीट पे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल बंदा हो सकता है, बट ये जो फ्रंट सीट है ना, ये बहुत ही कंफर्टेबल है। छोटा सा स्पेस यहाँ पे है, वैसे पार्ट ऑफ डिज़ाइन है या फिर कुछ और, बट जो कंफर्ट होगा सीट का अगर बैठ के दिखाऊं तो, इस टाइप से बंदा बैठेगा और इस बाइक के अंदर चला जाएगा। इनसाइड द बाइक आप बैठते हैं, टैंक वैंक सब कुछ ऊपर है, हैंडल बार सब कुछ ऊपर है, तो अभी तो कंफर्टेबल लग रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म पे, लॉन्ग राइड पे वो पता चलेगा। उसके बाद है ये हमारा ब्यूटीफुली डिज़ाइन फ्यूल टैंक। वैसे फ्यूल टैंक का डिज़ाइन है वो काफ़ी कॉमन सा है, लेकिन अच्छा लग रहा है इस बिल्ड के साथ में, क्योंकि ये जो चीज़ आ गई ना इसमें, देखो टैंक पैड्स वगैरह हम यहाँ देखते थे आज तक, इसके अंदर ये पैड नहीं है, प्लास्टिक का पार्ट, लेकिन ये चीज़ यहाँ पे है, और जो टैंक है वो अंदर की तरफ से बैंड हो रहा है। तो डिज़ाइन जो है वो 9.5 out of 10 है इस मोटरसाइकिल के अंदर, क्योंकि ये मोस्ट ब्यूटीफुल क्रूजर मोटरसाइकिल है इन द 300cc सेगमेंट। क्योंकि ये क्रूजर मोटरसाइकिल है, तो इसका जो टैंक है ना, वो भी राइडर को कंफर्ट देने के लिए बना रखा है। यहाँ से ये जो शेप देख रहे हो, इसके अंदर आपके पैर आ जाएंगे, तो ये यहाँ पे ग्रिप बन जाएगी, बेसिकली थाई ग्रिप। ये जो फ्यूल टैंक है ये 15 लीटर की कैपेसिटी रखता है। ऐसे करके इसको खोलो, चाबी लगाओ, हटाओ, पेट्रोल डलाओ। फिर ये है इसके ऊपर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो कि इस टाइप का कुछ ब्लैक एंड वाइट इन्वर्टेड जो LCD होती है वो मिल जाएगा। काफ़ी सारी लाइट्स हैं यहाँ पे, और काफ़ी सारी इसके अंदर इन्फॉर्मेशन है। एक चीज़ देखना डिज़ाइन का पार्ट, ये जो देख रहे हो ना बी जो बना हुआ बिंडा, यही आपको इसकी हेडलाइट में भी देखने को मिलेगा। तो ब्रांडिंग का हर जगह जोरों शोरों से यूज़ किया हुआ है। अब जी जब ये बाइक लोगे तो राइडर को कैसा व्यू दिखेगा, तो मैं जैसे बैठा हूँ, मैं राइड कर रहा हूँ, और राइडर के सामने ये व्यू है, लग रहा है ना प्रीमियम क्लास। और ये जो हैंडल है बीच में से मोड़ा है, साइडों से पतला जा रहा है, इस वजह से जो इसका जो शेप है हैंडल का, एक तो ये ड्रैग बार की कैटेगरी में आ सकता है, थोड़ी सी हाई रेस ड्रैग बार, और ये एक
जिसको बोलते हैं स्ट्रीट फाइटर, या फिर एक ऐसी मोटरसाइकिल जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में अग्रेसिव है, वो वाला इसके अंदर पोर्शन मिलता है। बहुत ज़्यादा अग्रेसिव पोर्शन है इसका, झुकने वाला अग्रेसिव नहीं बैठ के, लेकिन जो हैंडल का जो शेप है वो आउटस्टैंडिंग है। एक मीटर यहाँ पे आ जाता है, अच्छा ही हुआ इस कंपनी ने मीटर को यहाँ नहीं रखा, यहाँ रख देते सारी शान खराब हो जाती। यहाँ रखा गया इस वजह से जो अगला लुक मिलेगा ना आपको वो बहुत ही शानदार मिलने वाला है, जो कि ये है। क्योंकि अगर मैं यहाँ बैठा हूँ तो मेरे को अपने आगे कुछ नहीं चाहिए, ये चीज़ बिल्कुल फ्लो के अंदर जानी चाहिए। तो ये हेडलाइट डिजाइन, कंसोल का डिजाइन, ये बहुत ही अच्छी चीज है। अब राइडर को जो कंट्रोल्स मिल रहे हैं इसमें, वो राइट हैंड साइड पे तो इग्निशन स्विच मिल रहा है, यहाँ पे आपको सेल्फ का बटन मिल रहा है। अब अगर लेफ्ट में आ जाते हैं तो हॉर्न है, फिर यहाँ पे ये टर्न इंडिकेटर है, एक हैजार्ड का स्विच है, और हाई लो बीम के बटन है, और आगे की तरफ है डिपर। फिर जी ऐसी बिल्ड के अंदर आपको अगर बार एंड मिरर्स ना मिले तो फिर फायदा नहीं है। तो इसके अंदर बार एंड मिरर कंपनी से इंस्टॉल्ड है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। उसके बाद सिल्वर कलर के ये जो लीवर्स हैं ये आ रहे हैं, ठीक है, एडजस्टेबल नहीं है लेकिन लीवर है, और इनका वो देखना पोर्शन, ये देखो नीचे की तरफ है, बजाय ऐसे कर देते कंपनी सीधी कर देती तो भी नहीं चलता, नीचे की तरफ है ना, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी एग्रेसिव क्रूजर है ये 300cc की। क्योंकि ये क्रूजर मोटरसाइकिल बना रहे थे और अच्छी बना रहे थे छोटे में, तो फ्रंट टायर का भी जो साइज़ है वो 120 है, 120/80/16 यानी कि 16 inch का टायर है, और 120mm का इसका विथ है। लग रहे हैं ना बढ़िया से टिम्सन के टायर डले हैं इसके अंदर। अब ये जो अपसाइड डाउन फोक्स हैं इनको ये पकड़ रही है यहाँ से टी। अच्छा, टी का साइज देखो कितना बड़ा है, पतली सी टी नहीं है ये। हर चीज़ जो बल्कि बल्कि लगा रखी है ना इसके अंदर, वो सिर्फ और सिर्फ इसका रोड अपीयरेंस, रोड प्रेजेंस बढ़ाने के लिए। फिर आ जाती है जी LED हेडलैम्प, जो कि ये देख रहे हो उसके अंदर दो हैं, एक है प्रोजेक्टर, एक है नीचे आपका नॉर्मल रिफ्लेक्टर आ गया। फिर अगर मैं इसको ऑन करता हूँ तो ये आ गया है आपका DRL जिस पे मेंडा लिखा हुआ है। अब ये जो चीज़ बनाई है इन्होंने, प्रोजेक्टर और ये जो रिफ्लेक्टर का डिज़ाइन है, अगर इस वाले एंगल से दिखाओ हेडलाइट को डायरेक्ट, तो ये लग नहीं रहा जैसे कि रोबोट की कोई आँख हो या फिर रोबोट हमें घूर के देख रहा हो। अच्छा, एक और चीज़ की इसके अंदर इन्हेंसमेंट है कि टेक्नोलॉजी दी, डिज़ाइन दिया, लेकिन फंक्शनैलिटी में किसी चीज़ को कम नहीं किया। इनफैक्ट कि अगर ये चीज़ देखें इसकी आगे से, तो ये जो हेडलाइट का पोर्शन है ये ओपन है, और यहाँ पे देख रहे हो तो हीट सिंक्स हैं। तो LED अगर हाई पावर है तो वो गर्म भी ज़्यादा होगी, और जब वो गर्म होगी तो उसको ठंडा करने के लिए यहाँ पे ये हीट सिंक्स का यूज़ किया गया है, ये भी अमेजिंग है। फिर आगे जो है आपके टर्न इंडिकेटर सेम जैसे रेयर के अंदर हैं वैसे आ जाते हैं। और सबसे कूल चीज़ ये है कि ये वाला जो पोर्शन है ये पूरा फ्लैट है, हैंडल फ्लैट है यहाँ से, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। अब इसकी जो मेन चीज़ है ना, जिसके लिए इतनी ज़्यादा हाइप में है, वो क्या है, ये है वो, ये है इसका इंजन, ये V-Twin CC है यार। अभी मैंने आपको स्पेसिफिकेशन बताई, ठीक ठाक है, जितने पैसों को दे रहे हो दोगे आप उतने पैसों का माल आपको मिल रहा है। V-Twin इंजन है जो बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स में, क्रूजर मोटरसाइकिल्स में बेसिकली V-Twin हम स्टार्टिंग के अंदर इंडियंस को या फिर हार्लीस को ही बता बोलते थे कि V-Twin हार्ली, V-Twin ये वो नकेल हाइट, ये वो फ्लैट निमकाना। तो अब ये कंपनीज भी छोटे बजट में इस टाइप की ये V-Twin इंजन लेके आ गई है, और बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। ये जो है ये एयर फिल्टर जैसा दिखा रखा है यहाँ पे, फंक्शनल भी हो सकता है, बट ये होगा फंक्शनल क्योंकि ये फिक्स्ड है बिल्कुल। फिर ये एयर फिल्टर के नीचे ये जो आप देख रहे हो, तो यहाँ पे ये क्लच आ गया, ठीक है, क्योंकि क्लच का नोब यहाँ पे है। फिर ये आपका आ गया है इंजन का पंप, जो कि कूलेंट को आगे पीछे करेगा। कूलेंट से मैं आपको बता दूं कि ये लिक्विड कूल्ड मोटरसाइकिल है, तो इतना बड़ा इसके अंदर ये रेडिएटर लगा हुआ है, और पीछे फ़ैन है, जैसे कार के अंदर फ़ैन होता है तो पीछे फ़ैन है रेडिएटर में। कितने सुंदर तरीके के ये सिलेंडर्स हैं, जो कि इनको कार्विंग की हुई है इसके अंदर। फिर जी दो सिलेंडर से दो पाइप निकल के आते हैं और मर्ज हो जाते हैं। उससे पहले हमारे पास रेयर ब्रेक का जो सिलेंडर है ना, वो नीचे ही है। अब इसमें पत्थर लगेगा, कोई रोड लगेगी, टूटेगा, तो वो अलग चीज़ है, बट सिलेंडर नीचे है, ये लुक को इन्हेंस कर रहा है, ये चीज़ बढ़िया है। फिर ये जो 2-in-1 एग्जॉस्ट पीछे से जा रहा है, ये इसका भी हमने आपको साउंड सुनाया, बहुत ही बढ़िया है। इसके अंदर अगर कोई और एग्जॉस्ट भी आप लगा लेते हो आफ्टर मार्केट, या फिर इसी के अंदर ही ड्रिल करवा लेते हो, या फिर इसको थोड़ा सा कटवा लेते हो आगे से, तो साउंड और इन्हेंस हो सकता है, बट वो करवाना मत क्योंकि वो इल्लीगल है, लेकिन साउंड इम्प्रूव हो सकता है बहुत ही अच्छे तरीके से, क्योंकि मोटरसाइकिल बनाई इतने अच्छे तरीके से गई है। एक चीज़ और इसमें दिखा दें, तो रेयर के अंदर ना ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है, मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई, एडजस्टेबल तो है लेकिन सिर्फ स्प्रिंग लोडेड है, या तो गैस चार्ज दे रहे थे या फिर मोनोशॉक दे रहे थे, बट ये भी इसके अंदर अच्छी लग रही है, क्योंकि जो सस्पेंशन है वो आपको आगे अच्छी मिल रही है, और ये भी सॉफ्ट सस्पेंशन है, एडजस्टेबल है। उसके बाद एक एक डिटेल पर अगर बात करूँ ना, तो ये चीज़ देखो, ये मेटल का, एल्यूमिनियम का,
इसके जो ये जो नट बोल्ट लगे हुए हैं, बोल्ट बेसिकली एलंगी, ये कितने खूबसूरत है। ये भी एक एलंगी का बोल्ट ही है, लेकिन है कितना खूबसूरत। अब देखो ये वाले जो बोल्ट्स हैं, अगर चाहती कंपनी नॉर्मल सा कुछ लगा सकती थी प्लास्टिक का, बट ये एल्युमिनियम के बोल्ट्स हैं जो ये लगे हुए हैं। ये हाई क्वालिटी प्रोडक्ट की पहचान होती है कि वो अपने नट बोल्ट को भी कितना खूबसूरती से प्रेजेंट कर सकती है। अभी तक हमने देखा था स्टोरी का एक पार्ट, ये है सेकंड। ये जो है यहाँ से अगर देख रहे हो तो एक्सटेंडेड आपके ये आपको गियर लीवर मिल रहा है, ठीक है। और स्मूथनेस देखो, हाथ से मैं ऊपर नीचे करवा रहा हूँ, स्मूथनेस है चीज़ के अंदर। फिर एक ये 302 यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रखा हुआ है और यहाँ पे दिए जो दो सिलेंडर हैं, क्योंकि डिज़ाइन को कंप्लीट करना था उस तरफ से भी इस तरफ से भी, तो उस तरफ जैसे एयर फिल्टर दे दिया तो इस तरफ इन्होंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनिक्स दे दिया है। अब ये चीज़ जहाँ से कि ट्रांसमिशन कॉल होगा, ये ट्रांसमिशन है बेसिकली मान लीजिए आप, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ये कितनी ब्यूटीफुली डिज़ाइन है। इसके अंदर जो ये जो बोल्ट्स लगा रखे हैं एलंगी के, ये भी शाइनी है बिल्कुल यार, हर एक बोल्ट शाइनी है। ब्लैक के ऊपर ब्लैक नहीं दिया है, ब्लैक के ऊपर सिल्वर कलर का दे दिया, कंट्रास्ट क्रिएट हो गया, मज़ा आ रहा है इसको देखने में। जब मुझे इतना मज़ा आ रहा है शोरूम के अंदर, तो सोचो जब रोड पे होगी डे लाइट में या शाम हो रही होगी, कितना मज़ा आएगा इस मोटरसाइकिल को देखने में। इसमें एक और चीज़ यहाँ पे दिखती है कि ये वाला जो पोर्शन है ये थोड़ा ब्लैंक है, यहाँ पे ब्रांडिंग हो सकती है या फिर कुछ और सिल्वर कलर का पार्ट आ जाता बड़ा सा, बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। थोड़ी सी पीछे चलते हैं तो सेम ही जैसे वहाँ पे ये बोल्ट यूज़ किए हुए थे ना, यहाँ पे भी यूज़ किए हुए, ठीक है। बीच में ब्रांडिंग है कीवी की, और ये चीज़ ये जो टच है इसका पेंट का जो फील है ये अच्छा लग रहा है। फिर नीचे स्विंग आर्म आ जाता है। अब सबकी नज़र चली गई होंगी इस पर, तो जी ये बेल्ट ड्रिवन मोटरसाइकिल है 300cc के अंदर। और बेल्ट ड्रिवन के अंदर एक खासियत होती है कि एक तो वो मेंटेनेंस फ्री होती है, दूसरी चीज़ उसमें साउंड नहीं होता, तीसरी चीज़ कि उसका इनिशियल टॉर्क ज़्यादा मिल जाता है। कुछ सिनेरियोस के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, और ज़्यादातर सिनेरियोस के अंदर जब आप सिटी राइड करते हैं, क्योंकि ऑफ रोडिंग के लिए तो है नहीं, तो उसके अंदर ये काम कर देती हैं। अब इसका एक बार ये वाला व्यू देखते हैं, तो कुछ इस टाइप का ये होगा, ये वाला व्यू। यहाँ से बेल्ट ड्राइव आपकी दिखेगी, और जब ये दिखेगी, इतनी बड़ी बेल्ट ड्राइव है, इतनी बड़ी बड़ी बात है ये 300cc के अंदर लगाना, और वो भी इस सेगमेंट के अंदर, ये बड़ी बात है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट हैं ये प्रीमियम कैटेगरी के अंदर आए हैं, इसलिए इनके जो प्राइजेस हैं वो ज़्यादा हैं। अब ये होती हैं क्रूजर सेगमेंट की मोटरसाइकिल्स, तो इसको हम पत्थरों में गड्ढों में नहीं चलाते हैं। ये होती हैं रोड मंचिंग करने के लिए, कि आपने हाईवे पे जाना है, हाईवे मंचिंग आपने कर ली, हाईवे मंचिंग करने का मतलब कि रोड रोड है। तो इसकी भी जो ग्राउंड क्लियरेंस है, अगर थोड़ा पास से आगे दिखा दो तो ग्राउंड क्लियरेंस आपको इतनी मिलेगी, जैसे मैं अगर एक हाथ खोल के दिखाता हूँ तो नॉन टेक्निकल वे के अंदर इतनी इतनी बड़ी एक ईंट निकल जाएगी, एक छोटा सा पत्थर निकल जाएगा। बड़ा पत्थर होगा तो वो नीचे लगेगा, और नीचे का अगर पार्ट डैमेज होगा तो वो कॉस्टली पड़ सकता है। अभी इसकी जो की है ना वो यहाँ सेंटर में दी है, बजाय यहाँ देने की, यहाँ दे सकते थे, यहाँ पे दे सकते थे, बट सेंटर में दिया होगा कोई डिज़ाइन का पार्ट या फिर कंपनी की कोई स्ट्रेटजी। ऐसे ही इसमें जो स्टैंड है वो सेंटर नहीं है, क्योंकि नॉर्मल छोटी बाइक्स के अंदर सेंटर स्टैंड देते हैं, तो कंपनीज क्या करती हैं इसको साइड पे ही खड़ा करती हैं। तो इसके अंदर साइड स्टैंड आपको मिलेगा, साइड स्टैंड पे खड़ा करने के बाद जिसका लुक बनता है वो आउटस्टैंडिंग होता है। फिर आप इसके अंदर चाहें इन फ्यूचर तो पैडॉक लगा सकते हैं, यहाँ पे आपको पैडॉक के लिए एक्सेसरीज वगैरह मिल जाती हैं। बाकी ये जो बाइक है ये अवेलेबल है ख़रीदने के लिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दे देंगे, कॉल करो, परेशान करो इन लोगों को, पूछो कितने की और ये कब मिल जाएगी। हमारा काम था आपको वीडियो बना के दिखाना। मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं किंग इंडियन चैनल। बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।